बहुत ही खुशखबरी वंशिका आल जॉब्स हिंदी चैनल में। बीआरओ रिक्रूटमेंट 2022 बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ ने 303 मल्टी स्किल्ड वर्कर की भर्ती आ गई है, जिनकी हाइट कम है वो भी भर सकते हैं। बहुत ही खुशी का बात है। 10वीं और 12वीं आईटीआई पास भी आवेदन कर सकते हैं। बीआरओ रिक्रूटमेंट 2022 अप्लाई फॉर 302 एमटीएस पोस्ट ऑन bro.government.india। वैकेंसी डिटेल बताने जा रहा हूँ। मल्टी स्किल्ड वर्कर की जो मेंशन है उसमें पद 147 पोस्ट है। मल्टी स्किल्ड नर्सिंग असिस्टेंट का पोस्ट 155 है। 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म आप ऑफलाइन भर सकते हैं। फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट www.bro.government.in। आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी निकली हुई है 303 पद भरा जाएगा। उम्मीदवार इन पदों के लिए 23 मई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। जनरल के लिए 26 पद, एसी के लिए 30 पद, एसटी के लिए 13, ओबीसी के लिए 44 और ईडब्ल्यूए के लिए 16 पद हैं। और आप लोग को बताना चाहता हूँ आवश्यक शैक्षिक योग्यता के बारे में। मल्टी वर्कर मेंशन के लिए पदों के लिए 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं, सिर्फ 10वीं पास। मल्टी वर्कर मेंशन के पद जो निकला हुआ है 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं अगला जो पोस्ट है, नर्सिंग असिस्टेंट। मान्यता प्राप्त बोर्ड से जीव विज्ञान के साथ 12वीं पास मांगी गई है। स्किल्ड वर्कर मेंशन के पद के लिए उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच भर सकते हैं। मल्टी स्किल्ड वर्कर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए उम्र 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। फिजिकल के बारे में आप लोग को बता देना चाहता हूँ। जो फिजिकल टेस्ट है, 1 मील का दौड़ होगा, उसमें कोई भी नंबर नहीं है, यानी कोई सा मार्क नहीं है, कोई नंबर नहीं मिलेगा। फिजिकल जो टेस्ट है, जो दौड़ होगा, 10 मिनट में क्वालिफाई करना है, यानी 10 मिनट में पास करना है। एक मील की दौड़ 10 मिनट में क्वालिफाई करना है, उसमें कोई मार्क नहीं दिया गया है। फिजिकली टेस्ट जो होता है 25 मार्क का होगा। फिजिकली जो टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट उसको बोला जाता है, वह 25 नंबर का होगा। रिटेन टेस्ट जनरल नॉलेज एंड ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन जो होगा वह 100 नंबर का होगा, यानी 100 मार्क का होगा। और साथियों, ये बताना चाहता हूँ हाइट को लेके, चेस्ट को लेके, वेट को लेके। पहले हाइट के बारे में बता रहा हूँ। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हिल्स, उत्तराखंड के उम्मीदवार की हाइट 158 सेंटीमीटर रखी गई है। उन उम्मीदवारों का चेस्ट जो है 75 सेंटीमीटर, फुलाव 5 सेंटीमीटर, यानी 75 से 80 सेंटीमीटर फुलाव, 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए, 75 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए। वेट जो इन उम्मीदवारों का होना चाहिए लगभग 47, 47.5, 48 के बीच में होना चाहिए। और अन्य स्टेट के बारे में बता रहा हूँ, जैसे दार्जिलिंग हो गया, अंडमान हो गया, निकोबार हो गया, इनकी हाइट 152 सेंटीमीटर रखी गई है। चेस्ट इनकी 75 से 80 सेंटीमीटर, वेट
वजन 47.5 से लेकर 48 के बीच में होनी चाहिए। आ जाते हैं हरियाणा वेस्ट यूपी दिल्ली राजस्थान, इनकी हाइट 1.65 सेंटीमीटर से लेकर 1.65 सेंटीमीटर से लेकर होनी चाहिए, यानी 1.65 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की बात करते हैं, चेस्ट जो का हरियाणा वेस्टर्न यूपी दिल्ली राजस्थान का 76 से 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। वजन 50 केजी के बीच में होना चाहिए। आ जाते हैं ईस्टर्न यूपी के बारे में बता देते हैं, 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। चेस्ट 75 से लेके 80, यानी नॉर्मल चेस्ट 75 से 80 और वेट 50 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। बहुत ही खुशी का बात है, जिनकी हाइट कम है वो भी उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों के इन पदों के आवेदन करने के लिए लास्ट 23 मई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। अगला जानकारी आप लोग को अगले वीडियो में दिया जाएगा।